हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद कॉट हियर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ट्रेडिशनल वेयर इलस्ट्रेट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कलरिंग करनी है, कैसे उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क शो करना है जिससे कि जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत ही प्यारी लगे, अट्रैक्टिव लगे और जब आप उसको पोस्ट करें तो आपको बहुत सारे लाइक्स भी मिले। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, आप देख सकते हैं मैंने अनारकली सूट का जो स्केच है वो बना रखा है और मैं जो बॉडीज पोर्शन है अनारकली का उसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, मजेंटा कलर ऐड कर रही हूँ। स्टेडलर्स यूज़ किए हैं मैंने इसके लिए। अगर आपके पास स्टेडलर्स नहीं है तो आप वाटर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने दुपट्टा शो करना है वो मैंने नेट का शो करना है। सो दुपट्टे में कलर मैं बाद में ऐड करूँगी, सबसे पहले मैं जो बॉडीज पोर्शन है अनारकली का उसमें कलर ऐड कर रही हूँ। और गाइस, जो हमारा ट्रेडिशनल वेयर होता है उसको हम जितनी सफाई से बनाएं, वैसे तो कोई भी इलस्ट्रेशन हम जितनी सफाई से बनाएं उसकी लुक उतनी ही अच्छी आती है, बट जो हमारा ट्रेडिशनल वेयर होता है उसमें मेन हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क शो करना होता है क्योंकि जो ट्रेडिशनल वेयर होता है बहुत हैवी होता है। सो जब हम एम्ब्रॉयडरी वर्क शो करते हैं अगर उसको हम सफाई से शो करें, अगर हम कलरिंग अच्छे से करें तो ट्रेडिशनल वेयर की लुक बहुत ही अच्छी आती है। मैंने पेंसिल कलर अप्लाई कर दिया और मैं उसके ऊपर वाटर अप्लाई कर रही हूँ। जो स्लीव पोर्शन है वो मैंने शीयर फैब्रिक का शो करना है। सो उसके लिए मैंने पहले स्किन कलर अप्लाई किया और स्किन कलर के ऊपर वाटर अप्लाई कर दिया। फिर जब वाटर ड्राई हो गया तो अब मैं उसके ऊपर पेंसिल कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो आपको भी ऐसे ही करना है, जब भी कोई शीयर पोर्शन शो करना हो, आपने शीयर फैब्रिक का कोई भी एरिया शो करना है अपनी ड्रेस में, तो तब आप ऐसे ही करेंगे, पहले स्किन कलर अप्लाई करके फिर उसके ऊपर जो कलर है ड्रेस का वो अप्लाई करेंगे। और इसके ऊपर भी मैं वाटर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही रहने दें, ज़रूरी नहीं है आपको वाटर अप्लाई करना ही है। अब जो मैंने गारमेंट पे वर्क शो करना है उसके लिए मैंने पहले ब्लैक पेन से डिज़ाइन बनाया और फिर मैंने वाइट पोस्टर कलर अप्लाई किया। जो भी मेरा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन मैंने शो करना है वो मैंने पहले ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया हुआ है और अब मैं उसके ऊपर वाइट पोस्टर कलर अप्लाई कर रही हूँ। 0 नंबर की ब्रश की हेल्प से मैं वाइट पोस्टर कलर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सफाई से, बहुत ही पेशेंस के साथ हम एम्ब्रॉयडरी वर्क शो करते हैं ताकि जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत ही नीट लगे। जितनी साफ़ सुथरी इलस्ट्रेशन लगेगी उतनी ही उसकी लुक अच्छी आएगी। और मैंने इस अनारकली सूट में मैंने गोल्डन कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क शो करना है। सो जब वाइट पोस्टर कलर ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसके ऊपर गोल्डन मेटालिक कलर अप्लाई कर दूंगी। सो आप देख सकते हैं कि मैं गोल्डन मेटालिक कलर अप्लाई कर रही हूँ और अगर आपने सिल्वर वर्क शो करना है तो आप सिल्वर मेटालिक कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेटालिक कलर्स नहीं यूज़ करने तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वाइट पोस्टर कलर अप्लाई कर दें और उसके बाद फिर पेन यूज़ करके, गोल्डन पेन या सिल्वर पेन यूज़ करके आप एम्ब्रॉयडरी वर्क को हाईलाइट कर लें। वाइट पोस्टर कलर मैं सबसे पहले इसलिए अप्लाई करती हूँ क्योंकि एक तो एम्ब्रॉयडरी की लुक 3D आ जाती है, दूसरा एम्ब्रॉयडरी वर्क और भी अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। सो इसलिए मैं हमेशा पहले वाइट पोस्टर कलर अप्लाई करके फिर उसके ऊपर गोल्डन मेटालिक कलर अप्लाई करती हूँ। सो मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया और सेम ही स्टेप थे इसलिए मैंने वीडियो में नहीं इंक्लूड किया। अब हम आते हैं फोल्ड्स पे। सो आप देख रहे हैं जो अनारकली का स्कर्ट पोर्शन है वो जिस तरह से फॉल कर रहा है उसमें मैंने फोल्ड्स दिखाए हैं। इन फोल्ड्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप इनको फोल्ड्स बोल लो, इनको कलियाँ बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं हम। बेसिकली होता क्या है, हम जब ट्रेडिशनल वेयर बनाते हैं, अनारकली हो गया या लहंगा हो गया, तो उसमें हम कलियाँ शो करते हैं, फोल्ड्स शो करते हैं लहंगे के, तो उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
जो रियल लुक आती है इलस्ट्रेशन की, जो गारमेंट की 3D लुक आती है, वो फोल्ड से ही आती है। सो अगर हम ट्रेडिशनल वेयर में भी फोल्ड्स को प्रॉपर वे से हाईलाइट करें तो उसकी 3D लुक आती है, रियल लुक आती है और बहुत ही अच्छी लुक आती है। सो मैं ब्लैक कलर से फोल्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ। और अगर आपका बेस कलर थोड़ा लाइट है, जैसे मेरा तो मजेंटा है, मजेंटा के साथ ब्लैक जा रहा है, इसलिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका बेस थोड़ा लाइट है तो आप वो कलर यूज़ करेंगे जो आपके बेस के साथ जा रहा है। जैसे अगर आपका बेस कलर लाइट रेड है तो आप बहुत ही ज़्यादा डार्क मैरून यूज़ कर सकते हैं इस स्टेप के लिए। अगर थोड़ा आपका बेस कलर ब्राइट रेड है तो उसके साथ तो ब्लैक चल ही जाएगा। सो आप अपने बेस कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। और अब मैं बेस कलर को यूज़ करके फोल्ड्स में थोड़ी शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग किस तरह से करनी है, हमने जो हमने ब्लैक कलर से फोल्ड को हाईलाइट किया, एक जो हमने फोल्ड लाइन मार्क करी ब्लैक कलर को यूज़ करके, उसके अराउंड मतलब जो एक फोल्ड आ रहा है, आप देखें इतने सारे फोल्ड्स हैं अनारकली में, सो जो एक फोल्ड आ रहा है उसका सेंटर पोर्शन छोड़ के उसकी दोनों साइड्स के अराउंड हम कलर अप्लाई कर देंगे। सो मैंने जो ब्लैक कलर अप्लाई किया था उसके अराउंड मैं कलर अप्लाई करते करते सेंटर में आ रही हूँ। सेंटर में नहीं कलर अप्लाई किया, सेंटर को ऐसे ही छोड़ दिया, बस दोनों साइड्स पे मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो ये शेडिंग भी हो जाती है और इससे 3D लुक भी आ जाती है। और इस स्टेप के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है बेस कलर ही यूज़ करना है, आप थोड़ा सा जो डार्क शेड हो आपके बेस से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा डार्क ही करें क्योंकि उससे लुक अच्छी आएगी अगर आप थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करेंगे। सो सारे फोल्ड्स को हम ऐसे ही हाईलाइट कर लेंगे। अब हम दुपट्टे पे आते हैं। सो मैंने नेट का दुपट्टा शो करना है। जब हमने नेट का कोई गारमेंट शो करना हो तो उसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता। मैं सिंगल कलर को यूज़ करके ही सिर्फ जो फोल्ड्स हैं वो हाईलाइट कर रही हूँ। जिस तरह से दुपट्टा फॉल कर रहा है उसमें जो फोल्ड्स आ रहे हैं मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। और इसमें हल्की हल्की सी मैं फिलिंग कर दूँगी, हल्की हल्की सी कलरिंग कर दूँगी पूरे दुपट्टे में। जो सिलवट आ रही है दुपट्टे की उसके अंदर मैं हल्का हल्का सा कलर फिल कर दूँगी। बहुत डार्क मैनर में कलर नहीं अप्लाई करना क्योंकि हमने नेट का गारमेंट शो करना है, तो हम जो कलर है गारमेंट का वो लाइट ही रखेंगे, नेट का जो कलर है वो बहुत ही लाइट रखेंगे। सो इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैं कितना हल्का हल्का कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो जब भी आपने नेट का गारमेंट शो करना हो, नेट का दुपट्टा शो करना हो, तो आपने ऐसे ही करना है कि बस जो फोल्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, दुपट्टे की जो सिलवट जा रही है उसको हाईलाइट कर लो और बीच में हल्की हल्की सी फिलिंग कर दो। बस इससे ज़्यादा नेट में हमने और कुछ नहीं करना। मैंने पूरी इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली और लास्ट में मैं दुपट्टे पे वर्क शो कर रही हूँ गोल्डन मेटालिक कलर को यूज़ करके। और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लुक आई है इलस्ट्रेशन की, फोल्ड्स कितने रियल लुक दे रहे हैं, जो गारमेंट है कितना प्यारा लग रहा है। सो आप भी अगर इस टेक्निक को यूज़ करके ट्रेडिशनल वेयर बनाएंगे तो आपकी भी इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी लगेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।